हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ये फ़ोन मेरे पास आया है जो कि आप देख सकते हो, ये है सैमसंग का A307 यानी A30S मॉडल। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको जैसे ही ऑन किया जाए, आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। फ़ोन को मैं करता हूँ ऑन, एक मिनट मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। ये फ़ोन ऑन हो गया। आप लोग देख सकते हो इस पे बाकायदा से आ रहा है सैमसंग A30S, मतलब ग्राफिक वगैरह सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। फोन ऑन हो रहा है, अभी कुछ ही देर में ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, इसको आप यूज़ करो, जितना टाइम भी आप इसको यूज़ करोगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है जी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देता, ठीक, आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप यूज़ करते हो कि इस फ़ोन को यहाँ से स्लीप मोड में लेके जाते हो, मतलब इसको बंद करते हो, ये हो गया बंद। अभी ये वापस फ़ोन तो ऑन है लेकिन इस पर डिस्प्ले नहीं आएगा। ये अभी आप देख सकते हो, मैं कितना भी प्रेस करूँ इस पर डिस्प्ले वापस नहीं आएगा। अभी आपको वापस फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर चार्जर के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो साउंड भी करेगा, ये सुन पा रहे हो, लेकिन फोन पे डिस्प्ले वापस नहीं आ रही। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो होती है ना, ये कहाँ से होती है, छोटा सा फॉल्ट है मतलब, लेकिन बहुत कमाल का है। तो चलो देखते हैं इसको के कहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर लोग यू करते हैं कि इसके इस स्वैप बोर्ड को चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करने से आपकी प्रॉब्लम टेक्स हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसका ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम बिना चेंज किए हुए फिक्स करेंगे, क्योंकि इसको चेंज करने से ये ओरिजिनल है, तो जब ओरिजिनल चेंज हो जाए तो आपको बताएं फिर उस तरह की क्वालिटी इसकी नहीं रहती। तो चलो हम यू करते हैं कि इसको निकाल के इसी को ओके करते हैं, ठीक है जी, इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। और फिक्स करने से आप लोगों को बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो चलो मैं आपने अपना माइक्रोस्कोप स्क्रीन ऑन कर लिया है आप लोगों के सामने। हम यू करेंगे कि आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे इसकी आईसी लगी हुई है, ये आप देख सकते हो, ये वाली, ठीक है जी। तो अभी यू क्या करेंगे, इसी आईसी को मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पे मूव कर लूँ, इसी आईसी को हम निकालेंगे। चलो ओके, हो गया जी। अभी यू करेंगे कि इसको आपस में बाईपास करते हैं, ओके। तो चलो हम इसको कर लेते हैं बाईपास। लगे जी, ठीक है जी। तो चलो अभी इसको वापस पैक्स करते हैं, ठीक है। और पैक्स करने के बाद हम इसको करेंगे चेक, देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि आगे क्या ये लाइन मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट है कि नहीं, तो फिर वो भी देखेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया,
ये हो गया आपका प्रॉब्लम फिक्स। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंजीनियर तहर खान साइनिंग आउट।